Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel GK Gyan with guidance. Teaching से related बहुत सारे exams अभी out हो चुके हैं, जैसे CTET का है December में, HTET ने भी निकाल दिया है 7 अक्टूबर से, इसका announcement आ गया था, ठीक है, DSSSB का भी आया हुआ है, उसके बाद SSA चंडीगढ़ के जो master और mistress के exam है वो भी आ गए हैं, चंडीगढ़ department का NTT का एग्जाम भी आ गया है और PTET भी कह रहे हैं कि मे बी इस मंथ के लास्ट तक अनाउंस हो जाएगा, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आउट हो चुके हैं और बहुत सारे अदर स्टेट्स भी हैं जहां पर कोई ना कोई एग्जाम जरूर चल रहा होगा टीचिंग का. इस तरह जो टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो टेट हो गया स्टेट का या सेंटर का हो गया या कोई भी रिक्रूटमेंट हो गई, TGT, PGT, हेडमास्टर, मिस्ट्रेस, NTT, JBT, तो सभी के लिए ही जो मेरी ये प्रैक्टिस सीरीज है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है. तो आप ये बिना स्किप किए पूरी वीडियो सीरीज देखें. आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो बिना देरी किए आइए वीडियो शुरू करते हैं. तो आज का फर्स्ट सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल. तो इसमें से हम आज 5 क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ माइग्रेशन आर. माइग्रेशन का मीनिंग होता है स्थानांतरण या प्रवास कर जाना, यानी कि किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाना, ठीक है. तो ये किस तरह का हो सकता है, परमानेंट यानी कि स्थायी, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, बोथ वन एंड टू दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, क्या कोई भी नहीं. तो देखिए माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. कई लोग PR लेके चले जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं आउट ऑफ द कंट्री जाके, और कई टेम्परेरी वीजा लेकर भी जाते हैं, स्टडी वीजा लेके जाते हैं, वर्क वीजा लेके जाते हैं, विजिटर या टूरिस्ट विजिटर या टूरिस्ट वीजा भी लेके जाते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है. तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिसाइडेड बाय. किसी भी स्थान की जलवायु को कौन निश्चित करता है, कैसे निश्चित होती है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है. तो ऑप्शंस है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी, एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ऑल ऑफ दिस, ठीक है. समुद्र से कितनी दूरी है, कितनी देशांतर रेखाओं पर स्थित है, कौन सी अक्षांश रेखाओं पर स्थित है, या ये सारी. तो आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ठीक है. क्लाइमेट को बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं, कहाँ पे उसके समुद्र से दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई है, कितना एल्टीट्यूड है, कितना लैटीट्यूड है, ठीक है, वहां का वेदर कैसा है, वहां का टोपोग्राफी कैसी है. तो ये सब चीजें मैटर करती हैं क्लाइमेट को डिसाइड करने में. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड, ट्रेड विंड, कैटाबैटिक विंड, पोलर विंड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकल विंड, स्थानीय पवने. स्थानीय पवने वो होती हैं जो किसी खास एरिया में ही चलती हैं, जैसे जो लू है वो इंडिया के नॉर्थ रीजन में चलती हैं ज्यादातर, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो ये वाला एरिया है रेगिस्तान वाला नॉर्थ इंडिया का, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा चलती हैं, खास करके मई जून के महीने में चलती हैं, ठीक है. तो ये स्थानीय पवनों का हिस्सा है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स इज रिवर्स्ड विद सीजन. देखिए जो ओशन करंट्स हैं यानी कि प्रवाह या धाराएं होती हैं समुद्र की, तो ये हमेशा एक ही तरफ चलती हैं, एक ही डायरेक्शन होती है इनकी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं. लेकिन जो एक स्पेसिफिक ओशन है जहां पर जो ओशन करंट्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाता है, कभी वो क्लॉकवाइज हो जाता है, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है. तो देख लेते हैं ऑप्शन, स्पेसिफिक ओशन इन द इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या मेडिटेरियन सी. देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इन द इंडियन ओशन, यानी कि समर सीजन में यह अलग डायरेक्शन में चलता है और विंटर सीजन में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अ नॉन रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी इज. वाइल्ड लाइफ, फॉसिल्स फ्यूल्स, वाटर, फॉरेस्ट. देख इनमें से ऐसे कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो रिन्यू नहीं किए जा सकते. अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार यूज हो गए, तो वो रिन्यू नहीं किए जा सकते, या उनको रिन्यू करने में इतना ज्यादा टाइम चाहिए जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कई करोड़ों, कई बिलियंस मिलियंस ईयर्स का टाइम चाहिए, ठीक है. तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, फॉसिल्स फ्यूल जो है वो
नॉन रिन्यूएबल है, वाइल्ड लाइफ जो देखिए वो हो सकती है रिन्यू, वाटर हो सकता है रिन्यू, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं ये रिन्यू नहीं हो सकते। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड हमारा सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसमें हम देखेंगे एक बच्चे के विकास से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्रिएटिव चाइल्ड मे बी पुअर इन। अ क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो, जो क्रिएटिव हो, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, नन ऑफ दी अबव में से आपको एक ऑप्शन बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिलीजियस वैल्यूज हो सकती है कि उसकी पुअर हो, वो सोशल वैल्यूज उसकी बहुत अच्छी होंगी, वो क्रिएटिव है, उसकी सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, एस्थेटिक वैल्यूज बहुत अच्छी होंगी यानी कि, लेकिन उसकी रिलीजियस वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि वो भी स्ट्रांग हो या वो भी उसकी अच्छी हो, तो ये पुअर हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फिजिक। देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, वो फैक्टर जो आपको जन्म के बाद प्रभावित करते हैं, ऐसे फैक्टर जो एक बच्चे की डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी के अलावा जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसको जन्म के बाद कैसी फैमिली मिली है, कैसा स्कूल मिला है, कैसे लोग मिले हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करता है, उसको कैसा खाना पीना मिला है, कैसा रहन सहन मिला है, तो ये सब चीजें उसकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आती हैं। तो इसमें देखिए फिजिक जो है वो नहीं आएगी, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है, कल्चर है ये भी आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, लेकिन फिजिक जो है ये हेरिडिटी से आती है, अपीयरेंस जो है वो हेरिडिटी से आती है, बॉडी शेप जो है वो हेरिडिटी से आती है। तो ये जो आंसर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर में फिजिक नहीं आती, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिलेशनशिप बताती है डेवलपमेंट का और लर्निंग का। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज इनडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं करती, वो आत्मनिर्भर है, वो उसका विकास अलग से होता है। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट का पीछा करती है, ठीक है, पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है, उसके बाद है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम्स टर्म्स, यानी कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज के सिनोनिम्स हैं। फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, यानी कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो आपस में घुले मिले हुए हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड है, इंटरमिंगल्ड है, और इस तरीके से है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ऐसा रिलेशन है इन दोनों में जो कि हम क्लियरली या एक्यूरेटली नहीं बता सकते, जिसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में, ठीक है। तो जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो ही लर्निंग होगी, और अगर लर्निंग होगी तो ही डेवलपमेंट होगी, दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू डीवी, व्योक्सकाय, प्याजे और ब्रूनर। तो आपको बताना है कि जो विकास है वो सीखने की क्षमता से या शिक्षण से पहले चलता है, ठीक है, पहले डेवलपमेंट होती है फिर उसके बाद लर्निंग होती है, ये स्टेटमेंट किसका योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, वो यह बताती है कि पहले डेवलपमेंट होती है उसके बाद लर्निंग होती है। जो वाइगोस्काय थे इनकी जो थ्योरी है वो कहती है कि पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो पियाजे की थ्योरी है वो ये कहती है पहले डेवलपमेंट होती है और फिर लर्निंग होती है। तो इन दोनों का जो बेस है डेवलपमेंट के ऊपर वो बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये आपने याद रखनी है बात। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार कि इन दोनों की जो थ्योरीज है उनमें मेन डिफरेंस क्या है, वो यही है कि वाइगोस्काय कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होती है, और पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन
न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, नन ऑफ दी अबव. देखिए, एक होती है फ्लूड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. जो फ्लूड इंटेलिजेंस है वो हमारी हेरिडिटी से, यानी कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट से बिलोंग करती है. हमारा माइंड कैसा है वो हमारी बर्थ से ही डिवेल्प होता है. लेकिन जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है यह एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग और एक्सपीरियंस. कोई भी चीज हम प्रैक्टिस से कितना अच्छा सीख पाते हैं तो वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आता है. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पैडागोजी सेक्शन है. देखिए, मैंने पैडागोजी सेक्शन अलग से क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको किसी की पैडागोजी में आ सकते हैं. सीडीपी के साथ आ सकते हैं, हिंदी के साथ आ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश की पैडागोजी में आ सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के साथ रिलेट करते हैं, या कोई अलग सेक्शन होता है पैडागोजी का किसी में, किसी के भी एग्जाम में, तो ये वहां पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक टीचर से रिलेटेड है. टीचर के बिहेवियर से, टीचिंग के बिहेवियर से, लर्निंग के बिहेवियर से, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ये रिलेट करते हैं. तो ये पैडागोजी सेक्शन मैंने इसीलिए अलग से बनाया है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. व्हाई शुड अ टीचर डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स? कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि विश्लेषण करने वाली जो थिंकिंग है वो क्यों डेवलप करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं. टू आर्म स्टूडेंट्स विद स्किल्स विच विल हेल्प देम कॉम्बैट चैलेंजेस लेटर ऑन इन लाइफ. सेकेंड है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू बी मोर इफेक्टिव. टू अनेबल द स्टूडेंट्स हैव बेटर रिलेशन विद देयर फैमिलीज, नन ऑफ द अबव. जो पहली ऑप्शन है वो ये बताती है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करना, उनको इतना लायक बना देना कि ताकि बाद में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उनके साथ डटकर मुकाबला कर सके. ऐसे केसेस के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है. दूसरी ऑप्शन है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू बी मोर इफेक्टिव, ताकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें. उसके बाद है बच्चों को अपने फैमिलीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए तैयार करना. उसके बाद है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं. तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अपनी जिंदगी के और जो चैलेंजेस आएंगे उनके लिए तैयार करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इफ द चिल्ड्रन आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग, ही शुड पनिश ऑल ऑफ देम, ही शुड इग्नोर देम, ही शुड ट्राई टू फाइंड द फॉल्ट इन हिज टीचिंग, ही शुड फाइंड फॉल्ट विद द चिल्ड्रन. क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई टीचर कि टीचिंग बच्चों को समझ नहीं आ रही है, कोई भी अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे? ही शुड पनिश ऑल ऑफ देम, सबको पनिश कर दे, सभी को इग्नोर कर दे, या अपनी ही जो उसकी टीचिंग है उसके अंदर जो कमियां हैं उसको ढूंढे, ठीक है, या बच्चों की गलतियां ढूंढे. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट इन हिज ओन टीचिंग, उसकी अपनी ही टीचिंग में कोई गलती है, तो यही वो ढूंढे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर इज. जो ब्लैक बोर्ड टीचर यूज करता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शंस है टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रिकॉर्डिंग द जिस्ट ऑफ द लेसन. सेकेंड, टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग. टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज द ब्लैक बोर्ड. टू ड्रॉ डायग्राम्स. देखिए, ऑप्शंस कहती हैं कि बच्चों को मदद करना ताकि वो जो लेसन्स हैं उसमें जो कहना चाहता है लेसन्स उसको अच्छे से समझ सके, उसके सार को समझ सके. उसके बाद है उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सके. थर्ड है बच्चों को ब्लैक बोर्ड यूज करने के लिए एनकरेज करे. उसके बाद है डायग्राम्स बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड की यूज होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि बच्चों को लेसन जो है वो समझाने के लिए, उसके में जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो समझाने के लिए, ठीक है, जो लेसन कहना चाहता है उसका सार समझाने के लिए, तो ये सब चीजों के लिए ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है, ना कि ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, ना ही इतना डायग्राम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो मेन पर्पस है वो टीचिंग है, बेस्ट टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है, उसी के लिए हम सारे टीचिंग एड्स जो हैं वो यूज करते हैं. जो भी एसेसरीज क्लास में यूज की जाती हैं वो हमेशा लर्निंग को ही इफेक्टिव बनाने के लिए की जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, टीचर शुड मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स फॉर एवरी लेसन. यू डैश विद दिस. एक टीचर को हमेशा
हर लेसन के लिए चार सर मॉडल बनाने चाहिए, इस बात से आप क्या करते हैं? एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, पार्शली एग्री करते हैं, पार्शली डिसएग्री करते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, डिसएग्री। तो कोई जरूरी नहीं है कि टीचर हमेशा ही हर लेसन के लिए चार्ट या मॉडल बनाए, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है चार्ट्स का और मॉडल्स का, आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको आप विदाउट चार्ट और मॉडल बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। कोई पोइट्री सेक्शन है, कोई स्टोरी है, कोई एक्टिविटी है, तो उसमें चार्ट्स मॉडल हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने टीच कैसे करना है, क्योंकि चार्ट्स और मॉडल टीचिंग डिसाइड नहीं करते। एक टीचर है जो वो इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि चार्ट्स और मॉडल या अदर टीचिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टू शेप एंड पॉलिश द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, पेरेंट, प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली सभी की ही जिम्मेदारी है किसी बच्चे के बिहेवियर को शेप देना, उसको संवारना, उसको पॉलिश देना। तो यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ दी सही हो जाएगा। टीचर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, पेरेंट्स तो देखिए फर्स्ट टीचर होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे के बिहेवियर में। उसको घर में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसा उसको घर पे संस्कार दिए जाते हैं, मोरल वैल्यू सिखाई जाती है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है घर का, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उसका तो प्रिंसिपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्कूल मैनेजमेंट में। अगर स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली टीचर अच्छा होगा, टीचिंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, स्कूल का जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, करिकुलम है, वो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें एक चाइल्ड के बिहेवियर को शेप देती हैं, उसे पॉलिश करती हैं, उसे संवारती हैं, उसको एक अच्छा सिटीजन बनाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था थर्ड पार्ट मेरी प्रैक्टिस सेट सीरीज का। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।